तो हम लोगों ने जितना भी अवार्ड शो देखा सब में रेड कारपेट, और यहाँ पे दूसरे साल जो ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड, इसमें कारपेट भी ग्रीन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड करने वाले सारे आयोजक और सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लगातार दूसरी बार इस अवार्ड शो को संपन्न करने जा रहे हैं। और आपका सवाल था कि ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड में ग्रीन कॉर्पोरेट बिछा है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि आमतौर पर हम जब अवार्ड शो में जाते हैं तो रेड कॉर्पोरेट का एक चलन है, लेकिन इस बार ग्रीन कॉर्पोरेट मैं देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड को अलग कर रही है, तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है। आयोजक विजय पांडे जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि विजय पांडे जी बिल्कुल तारीफ के हकदार हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई आप सबको। आप लगातार दूसरी बार इस अवार्ड शो को संपन्न करने जा रहे हैं और पिछली बार नहीं आ पाया उसके लिए क्षमा, और इस बार आप सबने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए आप सबका हृदय से आभार। बात की जाए आपकी जो मूवी रिलीज हुई है, एक दिन में 1 मिलियन पत्थर के समान, दूसरे दिन में 2 मिलियन, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जब हमारी फिल्मों को लोग देखते हैं, लेकिन सच कहूँ तो खुशी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी है, इस बात से नहीं कि मेरी फिल्म 1 मिलियन हो गई, दुख इस बात का है कि हमारी ऑडियंस सीमित होते जा रही है। हम जब सिनेमा हॉल में जब ऑडियंस देखती है और उसका जो गैदरिंग होता है, उसका जो इन्जॉयमेंट होता है, उसका आनंद अलग है, लेकिन ठीक है, समय की मांग है ये कि आजकल डिजिटल हो गया सब कुछ और सब कुछ सीमित होता जा रहा है, तो हम सब भी इसके हिस्सा हैं और तो इन्जॉय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर डिजिटल हो गया तो हम भी डिजिटलाइज हो गए हैं, तो अच्छा है। अभी तो 1.7 कुछ हो गया है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि कल तक शायद ये 2 मिलियन भी क्रॉस कर जाए पत्थर के सनम। और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का और लगातार फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, काम की सराहना हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। काम की सराहना हो रही है, फ़ोन कॉल आपके बहुत ज़्यादा, किस बात के लिए ज़्यादा आप कह रहे हैं? आपका जो उसमें एक नाम है क्लिक करता और आप एक अलग अंदाज में अलग आवाज़ के साथ, हाँ, उस फिल्म में मेरा नाम है सुमन, पत्थर के सनम जो फिल्म है अभी कल ही यूट्यूब में रिलीज़ की गई है वर्ल्ड वाइड म्यूजिक चैनल से, तो उस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ड्यूअल कैरेक्टर जैसा है कि हम लोग का जो काम है वो हम लोग एजेंसी चलाते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, जैसे कल्लू भाई हैं और हम, तो उसमें मेरा नाम है सुमन और मैं लड़की की आवाज़ में बात करके जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको कंफ्यूज करता हूँ ताकि डील करता हूँ, तो लोग उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि कभी लड़की की आवाज़ कभी लड़का की आवाज़, और उसके साथ साथ बहुत से अलग अलग किरदार, अलग अलग गेटअप मैंने फिल्म में लिया है, तो कॉमेडी का बहुत ज़बरदस्त तड़का है इस फिल्म में। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके भोजपुरी चैनल वर्ल्ड वाइड म्यूजिक चैनल को जाके देखिए पत्थर के सनम, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और जल्द से जल्द इसका व्यूअरशिप बढ़ाइए। सुमन के किरदार से कितना जो है एंजॉय होता है, कितने कैरेक्टर डिस्टर्ब होते हैं? डिस्टर्ब तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, लोगों को गलतफहमी होती है कि हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस का एक ट्रिक होता है, और फैमिली में इस बात को लेके, हाँ, और क्या होता है कि वो जो मेरा कैरेक्टर है, हमारे नीरज रणधीर बहुत ही बेहतरीन निर्देशक है, उन्होंने डिज़ाइन किया इस कैरेक्टर को, और मैं बता दूँ कि इसी कैरेक्टर का वन लाइन लेकर ड्रीम गर्ल एक हिंदी फिल्म आई थी, उसी कैरेक्टर का वन लाइन लेकर उन्होंने बड़ी फिल्म बना दी एक वन लाइन में, उससे पहले हम लोगों ने कर दिया था उस फिल्म में। हम लोगों ने जब फिल्म देखी, ट्रेलर देखा, तो हम लोगों ने कहा यार हम लोग ने पहले किया और हम लोगों ने कॉमेडी में बहुत थोड़ा सीमित रखा है, उसने पूरी फिल्म का वन लाइन जो है उसी कैरेक्टर की उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक लड़का जो है वो लड़की की आवाज़ में बात करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उसमें सारे लोग फिर कॉमेडी और हास्य पैदा होता है, तो अच्छा लगा हम लोग को भी देख के, और मेरा कैरेक्टर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को मैं इंटरटेन करता हूँ, और फिर उसी चक्कर में हीरो हमारा जो दोस्त है वो फंस जाता है और फिर मैं वो कन्फ्यूज़न को दूर करने में उसकी सहायता करता हूँ। फिल्म के हीरो के बारे में कहना चाहेंगे? अरविंद कल्लू जी वा सुपरस्टार हैं। हाँ, अरविंद भाई कल्लू भाई के साथ मेरी वो पहली फिल्म थी पत्थर के सनम, उसके बाद मैंने एक दो फिल्म और की है साथ में, अच्छा है, नया टैलेंट है, नई ऊर्जा है और बहुत कुछ अभी लर्निंग प्रोसेस में ही है, लेकिन वो बहुत जुझारू हैं, सीखने की कोशिश करते रहते हैं, सबका बहुत सम्मान करते हैं, संस्कारिक हैं, तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो बस इसी तरीके से काम करते रहे और गायन के साथ साथ अभिनय में भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सारे लोग, हमारे यहाँ एक चलन बन गया है कि गायक हो जाएगा तो
एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार तो हो जाएगा हीरो, लेकिन अभिनय जिस माध्यम से आप सिनेमा में दिखते हैं, आप अभिनय बहुत मायने रखता है। तो अभिनय जीवन भर सीखने की चीज़ है, उसको सीखते रहना चाहिए, सबके लिए ये बात है। तो अभिनय तो अथा सागर है मेरे लिए, मेरे साथ जितने लोग मुझे कॉल करते हैं, नए लोग आते हैं, मैं उन सबको सलाह देता हूँ कि भाई अभिनय कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है कि रात में आपने सपना देखा और कुछ चीज़ बनाया और आपने खा लिया। उसको आप बिल्कुल जैसे आप कोई चीज़ सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं हम, कुंफू सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखना पड़ता है, अभिनय भी सीखने की चीज़ है। तो आप इसको भी ज़रूर सीखिएगा, फिर आइए इस लाइन में तो बहुत मज़ा आएगा। और कौन कौन आ चुके हैं और आने वाली फिल्म में? तो 35-40 फिल्में गई है, तो उसके बारे में क्या बात करूँ। इस अवार्ड शो में मेरी एक फिल्म जैसे कि विवाह नॉमिनीज है, और मुझे उम्मीद है कि विवाह फिल्म में मेरा कैरेक्टर बहुत ही लाजवाब है, तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों का जितना प्यार मिला है मुझे विवाह फिल्म में मेरे कैरेक्टर और मेरे काम के माध्यम से, तो इस अवार्ड शो में भी उसका प्रतिसाद मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ मैं हूँ। और मेरी आने वाली फिल्म, अभी 6 तारीख को मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, रोमियो राजा, जो कि दिनेश जी सुपरस्टार हमारे मेगा स्टार जुबली स्टार हैं, उनके साथ है, उनके साथ भी कंटिन्यू मैं फिल्में कर रहा हूँ। तो ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, और उस फिल्म में ख़ास बात यह है जो मैं बताना चाहूँगा कि रोमियो राजा में मेरा एक सोलो सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग है मैंने मेरी हीरोइन के साथ, और बिल्कुल 40-50 क्राउड डांसर हैं, उन सब के साथ बहुत झमाझम मैंने डांस किया है। तो बहुत दिनों बाद, जो कि एक चलन बंद सा हो गया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि कॉमेडियन का सोलो गाना आना बंद हो गया था 5-6 साल पहले तक। हमारे प्रकाश भाई हैं, हमारे मनोज जी, टाइगर जी हमारे सीनियर हैं, आनंद मोहन जी है, इन लोग गाना किया करते थे, और मैं जब आया, मैं भी छत्तीसगढ़ से जब आया, तो वहाँ भी मेरे हर फिल्म में गाना होता ही है हर फिल्म में, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, तो मैंने ये महसूस किया कि कॉमेडियन का जो गाना वाला चलन है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो मुझे खुशी हुई कि 6-7 साल बाद से ही, लेकिन मेरा एक सोलो सॉन्ग शूट किया गया, और बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही शानदार वो गाना हुआ है। आप सब जब देखेंगे रोमियो राजा में 6 तारीख को रिलीज़ हो रही है, तो बहुत इन्जॉय करेंगे, मतलब ये कहूँ कि वो पैसा वसूल परफॉर्मेंस के साथ आपका लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू आप सबका, लव यू ऑल।